मेघालय बादलों का घर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट कोने में बसा हुआ मेघालय दिलचस्प खूबसूरती की जगह है। मेघालय का मतलब संस्कृत में होता है बादलों का घर। यह राज्य अपने हरे भरे जंगलों, शानदार झरनों और अनोखे जड़ों के पुलों के लिए जाना जाता है। यह राज्य तीन मुख्य जनजातियों का घर है, खासी, जयंतिया और गारो। हर जनजाति की अपनी अलग संस्कृति और परंपराएं हैं जो मेघालय के आकर्षण को और बढ़ाती है। मेघालय जीवंत रंगों और गर्मजोशी से भरी मुस्कान वाला राज्य है। यहाँ के लोग अपने आतिथ्य और संगीत और नृत्य के प्रति अपने प्यार के लिए जाने जाते हैं। यह राज्य अपने स्वादिष्ट भोजन के लिए भी जाना जाता है, जो आदिवासी और असमिया स्वादों का मिश्रण है। मेघालय का इतिहास समृद्ध और आकर्षक रहा है। यह कभी प्राचीन कामरूप साम्राज्य का हिस्सा था। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन में आने से पहले इस क्षेत्र पर विभिन्न राजवंशों का शासन रहा। 1947 में भारत की आजादी के बाद मेघालय असम का हिस्सा बन गया। बाद में 1972 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया। मेघालय का इतिहास इसके आदिवासी समुदायों से जुड़ा हुआ है। इन जनजातियों के अपने अनोखे रीति रिवाज और परंपराएं हैं। उन्होंने सदियों से अपनी विरासत को संजोए रखा है। यह समृद्ध सांस्कृतिक ताना बाना मेघालय को इतिहास के शौकीनों के लिए एक आकर्षक जगह बनाता है। मेघालय प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यह राज्य प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यह दुनिया की कुछ सबसे ज्यादा बारिश वाली जगहों का घर है। इसके परिणाम स्वरूप यहां का परिदृश्य अनगिनत झरनों से सुशोभित है। कुछ सबसे प्रसिद्ध झरनों में नोहकलिकाई फॉल्स, सेवन सिस्टर्स फॉल्स और एलिफेंट फॉल्स शामिल हैं। यह राज्य घने जंगलों का भी घर है। ये जंगल विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवों से भरे हुए हैं। मेघालय अपनी कई गुफाओं के लिए भी जाना जाता है, जो चूना पत्थर पर पानी की क्रिया से बनी है। ये गुफाएं आश्चर्यजनक स्टैलेक्टाइट और स्टैलेगमाइट संरचनाओं का घर है। यह राज्य तीन प्रमुख जनजातियों का घर है। प्रत्येक जनजाति की अपनी अनूठी परंपराएं, रीति रिवाज और त्योहार हैं। मेघालय के लोगों के सांस्कृतिक जीवन में संगीत और नृत्य का अभिन्न हिस्सा है। मेघालय प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और रोमांच का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करता है। यह एक ऐसी जगह है जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी।